सच के साथ। शनिवार को तेलियाना स्थित श्री राम जानकी मंदिर में महंतई समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि पूज्य महामंडलेश्वर महंत श्री राम बालक दास जी 15 अप्रैल दिन गुरुवार को ब्रह्मलीन हो गए थे, जिनके स्थान पर उत्तराधिकारी श्री रामदास जी को परंपरा अनुसार महंत बनाया गया। महंतई आयोजन में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम मणिराम की छावनी के महंत श्री श्री 1008 स्वामी नृत्य गोपाल दास जी महाराज के कृपा पात्र श्री कमल नयन दास महाराज जी के कर कमलों द्वारा रामदास को प्रथम तिलक कर चादर एवं कंठी देकर परंपरा का प्रारंभ किया गया। तदुपरांत काशी के पंच श्री महंतों ने क्रमशः अध्यक्ष राम कमल दास वेदांती जी, रामेश्वर दास जी, राम शरण दास जी महाराज, सियाराम दास जी, संतोष दास, सतुआ बाबा आदि ने तिलक कंठी व चादर देकर शुभाशीष दिए। साथ ही काशी के विभिन्न स्थानों से आए साधु संतों सहित श्री लाड भैरव भजन मंडल के अध्यक्ष केवल कुशवाहा व क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों ने भी महंत श्री को शुभकामनाएँ दी। अयोध्या श्री राम मंदिर के महंत श्री नृत्य गोपाल दास ने फोन से वार्ता कर रामदास को आशीर्वाद दिया तथा स्वास्थ्य ठीक न होने के चलते न आ पाने का खेद भी प्रकट किया। उक्त अवसर पर भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंदिर के नए महंत रामदास ने कहा कि पूज्य गुरुजी के पदचिन्हों व उनके बताए मार्गों पर चलकर हिंदू समाज के सर्वांगीण उन्नति की दिशा में कार्य करना ही उनके जीवन का मूल मंत्र है। आगंतुकों को दक्षिणा व अंग वस्त्रम देकर अभिनंदन किया गया। संयोजन श्री सत्यभूषण दास, धनुर्धारी महाराज, केवल कुशवाहा, बजरंगी गुप्ता, अवनीश गुप्ता, विद्याशंकर, संतोष साहू, शिवम अग्रहरी, कृष्ण कुमार आदि ने किया। परमात्मा से निवेदन है, आग्रह है, इसके लिए बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े नियम, बड़े बड़े धार्मिक कार्य करते रहते हैं कि हमारी जनता के बीच में सुख शांति समृद्धि प्राप्ति हो, जो इस रोग से मुक्ति प्राप्त हो। सच के साथ।